वो देखिए सामने दोस्तों, रेनबो लगा हुआ है। मौसम खराब हो गया, बादल आ गए हैं, इस वजह से अब हम भी घर को जा रहे हैं। ब्रेक लेने के लिए हम नदी में आ चुके हैं। यहाँ पे ठंडे ठंडे पानी में इनको खड़ा क्यों कर रहा है बता दो, ये लाज भी मारो उसमें। अच्छा अभी आपने देखा मेरी पैर के सर में एक जॉक लगा हुआ था। पानी कैसा हो रहा है, ठंडा है, मीठा पानी हो रहा है। शरबत देखिए हालत कितनी खराब हो गई आधे रास्ते में ही। भैया से पानी गिर गया, फिसल गए, फिर पानी। Hey guys, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम, दिस इज माई न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं सब लोग धान मारने के लिए। आजकल धान मारने का काम चल रहा है, देखिए सब लोग हम धान मारने जा रहे हैं खेत में। मेरे साथ है ये देखो मेरा छोटा भाई बक्की और हमारे रोहित भाई। अभी हम खेत में जा रहे हैं, रास्ता बड़ा खतरनाक है दोस्तों, पीछे देख सकते हैं कितनी झाड़ी हुई है, आज बारिश की वजह से हुई जाती है दोस्तों, संभल के चलना पड़ेगा, कहीं खिस लेंगे सीधे। देखिए दोस्तों चल 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 चल, नीचे देखिए कैसा रास्ता है, उत्तरी राम से चलियो रे। ये देखिए ओ ये गिर गया दोस्तों, इसको बोला था ना आराम से देख के चल नीचे। देखिए सब लोग आगे से जा रहे हैं, जूते को डाल के लाया। अरे मैं बचने के लिए आगे में फिसल गई। वो देखिए दोस्तों सामने पार गांव है, अगर आप देख सकते हैं वो धान के खेत है सारे, वहाँ पर भी कई लोगों ने धान मान दिए हैं, कई लोग मानने की तैयारी में हैं। ओह शिट, आप देख सकते हैं कितना भयंकर करके रास्ता है। ओह तो अभी घास खत्म हो गई, अब हम पहुंच गए चाय के बगीचे में। देखिए दोस्तों मेरी ताई है, ये चाय पत्ती तोड़ी है, देखिए आज चाय पत्ती भी इसलिए ताई तोड़ी है। और ताई बोला था वो भला रही। ये देखिए दोस्तों पीछे मेरे पापा और ये हमारे ताऊ हैं, अभी हमें ताई मिली थी और ये हमारे ताऊ। ताऊ नमस्ते, भला जा है ब्लॉग बड़ी ब्लॉग, ये भी चाय पत्ती तोड़ रहे हैं। देखिए सुबह से ताऊ लोगों ने और ताई लोगों ने इतनी चाय पत्ती तोड़ दी है पूरे कट्टे भर के। ये देखिए अभी भी तोड़ रहे हैं कट्टे से। ये देखिए फाइनली अब हम रोड पे आ चुके हैं डामर की, और यहाँ से अब हमें नीचे जाना है। ये देखिए मेरा भाई पीछे पता नहीं क्या बकबक कर रहा है, बोल भाई क्या बोल रहा है। तो यहाँ पहले से ये देखिए मेरे मम्मी पापा और हमारे रोहित भाई जा रहे हैं आज। अच्छा तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों की बात आज धूप आई है। अच्छा, 4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, आज धूप आई है, आज हम धान मारने जा रहे हैं। नीचे नदी देखिए, और वो देखिए आप खेत भी दिख रहे होंगे धान के, तो हमने उधर जाना है नीचे। ये देखिए रास्ता इस घास से होते हुए हमें नीचे वहाँ जाना है। सामने से मेरी ताई तिरपाल लेके आ रही है, इसके ऊपर हम धान मानेंगे, वरना अगर ऐसी मानेंगे तो धान हमारे खेतों में बिखर जाएंगे और वेस्टेज हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ये देखिए मोड़, इसको पहाड़ी में मोड़ कहते हैं, मोट 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 कहते हैं, किसका बना होता है मम्मी है, किस चीज़ से बना होता है? रिंगाव, हाँ रिंगाव होता है गाइस, एक पहाड़ी में से रिंगाव बोलते हैं, उससे बना होता है। चलो चलो, रास्ते कितना चिकना हो रहा है बारिश की वजह से। ये देखिए दोस्तों रास्ता, अब मेरी ताई भी चल गई यहाँ पे। ये देखिए कितना आठ है, पहाड़ी की रास्ता है। ये देखिए मेरा छोटा भाई मुझे चेतावनी दे रहा है। ओ गाइस मम्मी आराम से आना। देखिए दोस्तों हमने वो नीचे जाना है अभी, वो तो बहुत खतरनाक टॉर्चर है, मैं कितने बार फिसलते फिसलते बचा हूँ दोस्तों। हाँ हाँ चल चल आराम से चल। तो दोस्तों कड़ी मुश्किल के बाद हमने फाइनली ये टॉर्चर वाला रास्ता पूरा कर लिया। देखिए अब हम नीचे खेत में आ गए दोस्तों, मम्मी अभी आ ही रही है मेरे ऊपर से। तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं पराल लेने। पराल गाइस जो धान होते हैं, धान के पौधे, उनमें से जब धान निकल जाता है जो बची हुई फिर पत्ते जो इनके पौधे हैं उनको हम पराल बोलते हैं, काम आता है। ये हमारी टाइगर खेत में पहुंच गए हैं। ये देखिए पीछे कैसे देख सकते हैं आप, कैसे चट्टे लगे हुए हैं लाइन बारी से, ऐसा लगा है बच्चे प्रेयर के लिए खड़े हो रहे हैं पीछे लाइन पे। ये देखिए गाइस ये रे पराल, चलो भाई उठाओ इनको।
तो दोस्तों मैंने उठा लिया है पराल, देखिए मेरे बाल पीले हो गए यार अभी से। तो भाई हम ले रहे हैं पराल। कैसा लग रहा है? बारिश की वजह से गीला हो गया है दोस्तों, ये तो भारी हो गया, बना है तो बिल्कुल जैसे हुई जैसा हो लगता है। बच्चों का हमारा भी यही रहता है भाई, जब मैं छोटा छोटा था नदी जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था इसकी तरह, कि कभी कभार जाने को मिलता है ना गाइस, घर वाले जाने नहीं देते वरना नहाने के लिए, तो हम ठंड में भी नहा लेते थे बिल्कुल कोहरे में ठंडे ठंडे पानी से। इस तरीके से ये पराल को हम बिछाते हैं, ऊपर से मोहर बिछाएंगे। हाँ इसको क्यों बिछाते हैं? क्योंकि काफी नमी है खेत में गाइस, देखिए ये भी, यहाँ भी पराल है, एक चीज दूसरे का है बना, हम यहीं से उठा लेते हैं। ये रहेगा इस धान के गट्ठर चट्ठा, गीले हो चुके हैं देखिए बारिश की वजह से, अब क्या करें मानने तो हुई। तो दोस्तों जब तक वहाँ पराल बिछा रहे हैं लक्की कुछ बताएगा नदी के बारे में। ये देखिए सामने नदी है, ये देखिए कितनी अच्छी नदी है दोस्तों, आज धूप भी, मौसम सुहाना मौसम है, पानी बढ़ गया है ना, पानी बन चुका है दादा, थोड़ी दोपहर में पानी ठंडा हो जाएगा, हम नहाएंगे फिर धान मान के। व्यू देखिए गाइस यहाँ का, चलो आपको नदी भी सामने, नदी में बाद में जाएंगे पहले काम कर ले, गाली पड़ेगी घर से। पीछे देखिए हो गया धान मानना शुरू, शुरुआत हो चुकी है, अब मुझे भी मानने धान। इनकी स्पीड गाइस देखिए कितने तेज धान मानते हैं रोहित भाई हमारे। ये देखिए पूरा सेटअप इस तरीके से लगाया गया है धान मानने का। तो दोस्तों अभी बजे हैं लगभग 9:30 हो चुका है और अभी हम धान मानना स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कितने बजे तक चलता है ये प्रोग्राम। ओह तो गाइस मेरे पैर में दहा पड़ गई है। दहा का मतलब होता है क्या? परेशानी, जलन, जलन हो गई है दोस्तों। हम नंगे पैर धान मान रहे हैं, देखिए ये देखिए हमारे रोहित भाई, इनकी स्पीड बहुत तेज है गाइस, ये देखिए अब इनकी स्पीड के दीवाने हैं। आपके पैर में नहीं पड़ रही है रोहित भाई जलन, धान ही पड़ने खुटा में बोल दो यार, ये बहुत शर्माते हैं। तो पहले खुद से अच्छे से मान हमसे बोल रहा है, देखिए हमारा हिटलर दादा, ये शिकायत निकाल रहा है, ये देखिए बाप रे जैसा भी इससे हो रहा है ये भी लगा हुआ है देखिए नंगे पैर। एक्चुअली दोस्तों मैंने इससे पहले धान लगभग 5-6 बारी माना है, इसलिए मेरे को ये चुप जाते हैं बार बार, 5-6 बार भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। यहाँ पे धान कुचले जा रहे हैं, वहाँ फतोड़े जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ फतोड़े जा रहे हैं, जो बाकी बच जाता है जो हमारे पैरों से नहीं माना जाता वो यहाँ जाके डंडे से मान दिया जाता है उस पर, देखिए फतोड़ फतोड़ के, काफ़ी टैक्ट है ये इस तरीके से। तो अभी मैंने जूते पहने हैं, अब मैं जूते पहनकर धान मान रहा हूँ। वो देखिए गाइस पीछे मेरे ताऊ भी पधार चुके हैं, वो देखिए सूपा लेके आए हैं, धान का दूसरा गट्ठर खोल रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, ये सबको ऑर्डर देने वाला है बॉय, ए बॉय इधर देखो, ये देखिए ये जितना छोटा है उतना खट्टा नहीं है। क्या हुआ ताऊ की कथा है, ताऊ क्या हो गया, ने कर दिया ये बराबर आने करो आने इधर कर दिया, इले भलवटी नहीं मान दिया के ये दैजे के राजा बोले। अच्छा तो गाइस हमें आते ही डांट पड़ गई है, देखिए ताऊ के हाथ से बैलों की, तो बोल दो भाई देख रहे बोलो बोले। तो ये बेचारा बहुत नाराज हो गया, नर्वस, चिंता मत करो हम फिर से कोशिश करेंगे। ये लाइफ चेतावनी मिल गई तेरे को अब। तो फाइनली दोस्तों हमारा धान का जो गट्ठर था वो पूरा हो चुका है, देखिए पूरा मान दिया है हमने, इतने धान निकले इससे,
और बाकी जो बचा खुचा है वो ताई और मम्मी उनका धुमरान करने में लगी हुई है झंडे से, देख सकते हैं पीछे अपने छूट गए रोहित भाई। कोई नहीं कहता, देखो क्या बोल रही है धाम पर बैठा है तो काम धूप में तो सभी काले हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, धान से घास साफ करने की निंजा टेक्निक सूपे से, और क्या आते हैं सूपे से अभी धान कटते हुए भरेंगे हमने एक, ये हाथ में इनका सूपा है और एक है चट्टा हमने मान दिया है धान। तो गाइस ये देखिए हमारे कट्टे भरे जा रहे हैं, अभी हमको इनको उठा के घर पहुंचाना है। देखिए उतने पहाड़ पे चढ़ के जहाँ से हम आए हैं, और आपको दिखाया था कैसा फिसलनदार रास्ता है, अभी बहुत खतरनाक टॉर्चर होने वाला है मेरे साथ। और ऊपर देखिए धूप, ओ तेरी वो पहाड़ चढ़ के जाना है भाई। हमारे रोहित भैया ने उठा लिया है कट्टा और ये चल रही है अपने रास्ते पे। अब मेरी बारी है, तो हम सरदार ले जाएगा ये हमारे रोहित भाई। तो गाइस अभी हम चलते हैं घर को, धाम पे जाके आते हैं, रास्ता है बहुत बेकार। तो दोस्तों देखिए हालत कितनी ख़राब हो गई आधे रास्ते में ही, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा रुके हुए हैं क्योंकि मैं गिर गया था दोस्तों, मैंने बताया था ना फिसलनदार रास्ता है, इस वजह से मेरा कट्टा गिर गया, जहाँ लक्की बैठा है। हाँ हमने कहा थोड़े रुक ही जाते हैं भाई, इतना बड़ा कट्टा ले जा रहे हैं हमें, ये देखिए देख लो भाई। हाँ इसमें तो कोई मर जाएगा भाई, इतनी आसान नहीं है भाई, वो भी इतनी चढ़ाई से पहाड़ से इतना बड़ा है भाई पहाड़ से। हमारे साथ एक डॉगी भी मिल चुका है हमें, ये मोती है प्यारा डॉगी। चलो एक और साथी मिल गया, तीन से भले चार। तो अभी हमने कट्टा भी छा लिया यहाँ पे, एक्चुअली हमारे घर भी सभी और ऊपर है दोस्तों, इस वजह से जो चाय हमें पहले मिली थी, जो चाय पत्ती थोड़ी थी उन्हीं के घर पे कट्टे रख दिए, अभी इन्हें बाद में ले जाएंगे यहाँ से। अभी ताई चाय पत्ती देने के लिए गई है मार्केट, चाय पत्ती देने के लिए जाना पड़ता है। ए देखिए डॉगी में पहचान नहीं रहा मोती, अभी जब हम आए अब भौंकने लग गया। पीछे देखिए दोस्तों हमारी ताई ने मिर्ची सुखाने के लिए डाली हुई आंगन में, यहाँ एक छोटा पपी भी है, ये देखिए घर की रखवाली कर रहा है। फिर हम पानी लेने जा रहे हैं, पानी की जरूरत है, पानी की प्यास लग गई है, तो हमने ताई के घर से एक बाल्टी ली है और उसको लेके हम अभी पानी लेने जा रहे हैं। हमें धारा है पास में, वहाँ से पानी लेके आते हैं। हम पहुंच गए धारे पे, ये रहा धारा देखिए सामने पेड़ के नीचे, वाह कितनी अच्छी जगह है। ये देखिए गाइस बड़ा सा पेड़ और उसके नीचे धारा, ठंडा ठंडा पानी पियेंगे नहीं धारा पानी का फाटने वाला, क्या कहते हैं उसको केकड़ा, हाँ केकड़ा रहता है, हमने तो खाया है चार पांच। इधर पूजा पाठ भी कर रही है क्या? ना कुछ चलाया है दादी फल साइड। पानी पी लो दोस्तों, ठंडा ठंडा लक्की पानी कैसा हो रहा है, ठंडा है हाँ। मीठा पानी हो रहा है शरबत, तब तो इसे ले जाएंगे सीधे शरबत। हाँ पी ले फिर, क्या कहा पानी ले जाएंगे हाँ। अच्छा अरे वाह तू तो बाल्टी वाल्टी भी अच्छे से क्लीन कर रहा है, हाँ अच्छे से धो ले भाई पानी भी जाना है। हाँ हाँ तो दोस्तों अभी आई थोड़ा सांस में सांस, ठंडा पानी पी के मुंह धो के अब चलते हैं हम। चलो भाई बाल्टी कौन पकड़ रहे हैं, अभी हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं सीधे खेत में एंट्री। सही हो गया हमारा शॉर्टकट निकल जाएगा, ये रास्ता मेरे को पता था, जो मैं लेके आया मेरे को पता नहीं होगा। अरे हां हो कर यार, अरे भाई वापस घर को जाते हैं फिर वहां से आते हैं। ओ भाई ये टॉर्चर वाला, तो गाइस दिख रहा है भैया से पानी गिर गया,
फिसल गए, फिर पानी लेके आ रहे हैं भाई। देखो सर दोस्तों, ये इसलिए है कि ताकि जो घास है ना इस पानी में गिरे नहीं। ये सिर में इसलिए रखा है कि पानी गिर पड़ा और फिसल भी गया, घास चले गया पानी में, इसलिए दोबारा जाके भर के लाना पड़ा मुझे। और यहाँ पे ऐसा धूड़ है, आज मेरे को बहुत अच्छी लड़की वाली फीलिंग आ रही है सर में पानी की बाटी लेके। जंगल 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 लग रहा है, गर्मी ऊपर से पानी लग रहा है तो इतनी बड़ी घास हुई है। एक रास्ता नीचे को जाता है, एक वहाँ चले गए और वहाँ पे हम अभी जा रहे हैं धान मारने। हम वापस गए घर, वहाँ मारने लग गए, पहुँच चुके हैं यहाँ पे, पहुँच चुके हैं हम। आगे हमें हमारी चाची है वहाँ, वो चलो कर भी दे सब, ये है सब। हम अभी आ रहे हैं, पहले वहाँ मान रहे थे, अभी हमारा एक गटर पूरा होने के बाद हमने दूसरा भी आधा कर दिया है। और अभी हमारा है चाय पानी टाइम, तो यहाँ भी सब चाय खा रहे हैं, ये देखिए पी रहे हैं, सॉरी चाय पी रहे हैं। और ये चाय पानी टाइम सब आ चुके हैं यहाँ, अभी पब्लिक ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ये हमारे पोस्टर में भैया ये लेके आए हैं चाय, देखिए थोड़ा छोटा मोटा नाश्ता, छोटा मोटा नाश्ता बन है, बन हाँ बन और चाय है, बन चाय और बन भी छोटे छोटे हैं, वो होते हैं पहले बहुत बड़े थे, पहले बड़े थे छोटे हो गए। हाँ पहले बड़े बड़े आते थे पैकेट, अब छोटे छोटे आते हैं। आया है ये, और साथ में है लिमका, लिमका घूम सबके लिए। ये रहे हमारे वेटर साहब, सबको आराम से बांट रहे हैं, देखिए ताव अभी भी लगे हुए हैं। पहले काम करते हैं फिर जाके आराम करते हैं। थैंक यू रो बचा चला धान मानी पीनी खानी चाय गर्म हो जाए, ठंडे गर्म हो रखी है चाय, अच्छी हो रही है। अच्छा चाय हिंदी में बुला नहीं हूँ ना, चला पानी मुझे बुलाओ, पानी में बुलाओ भाई। तो भाभी क्या हो रहा है, बन खा लो, तीन बन है इससे पेट भर जाएगा हमारा। क्या क्या होगी हालत रोहित भाई, देखिए ताऊ बैठते भी नहीं है, खड़े खड़े चाय बिस्किट आराम से। ये अपनी बुआ के यहाँ तीन दिन से मामा आ गए थे पर बारिश आ गई, बारिश के कारण ये तीन दिनों से यही है, आज जाके धूप निकली है। परेशानी मतलब काम और नंदीनाल भूख बिना मर गई है, भूख का चिल। अभी अभी आपने देखा मेरी टाई के सर में एक जॉक लगा हुआ था, आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने अभी फेंक दिया है बाहर उसे। भाई साहब देखा चाय पत्ती पत्ती तोड़ते तोड़ते यहाँ जोक भी लग जाते हैं। मुझे लगता है चाय के बगीचे में लगा होगा ना, जब ये चाय पत्ती तोड़ के इन्हें कट्टा ऊपर रखा होगा ना चाय का, तब लगा होगा। आप देख सकते हैं, इससे पहले भी वीडियो में देखिएगा ध्यान से। फार्मूला चिया चलाई थी ओए इतना रही बा खून लाल अंसो खून नहीं आनी होना, अब तो बंद हो। अच्छा क्या रुपए पहाड़ में ऐसे हुआ है, दिल्ली दिल्ली बम्बई कलकत्ता घूमो जाए ना जी लगना जाग वहाँ अलग परेशानी से इनको, वहाँ तो और ज्यादा परेशानी है, गर्मी है प्रदूषण है। पहाड़ की पहाड़ में भी तो बहुत जीवन है, पहाड़ का ऊंचा नीचा डाना ही पहाड़ अच्छा, ठंडी हवा हमारा पहाड़ी अच्छा। लक्की क्या कर रहा है तू बता, क्या कर रहा है बता। ये देखो गाइस इसको गुस्सा आ गया है, बेचारा सुबह से काम कर रहा है इसलिए थक चुका है, इनको खड़ा क्यों कर रहा है बता दो, ये लाज भी मारो उसमें। अच्छा ये हमारे नए नए मेंबर अभी ज्वाइन हुए हैं। कैसा लग इन्हें शायद बुरा लग रहा है, ये घूंघट निकालती है, मेकअप खराब हो जाएगा, घूंघट लग रहा है, ऊपर से देख सकते हैं आप, हमको बहुत ठंडा हो रहा है, हमने स्वेटर पहना है, हमको तो गर्मी भी बहुत है, ये मोटे हैं इसलिए, अब हमें भूख भी लग गई है, सुबह दो रोटी खा के आए।
गाइस तो भी हमारा ब्रेक लेने के लिए हम नदी में आ चुके हैं यहाँ पे ठंडे ठंडे पानी में। अब जाके थोड़ा सुकून मिल रहा है दोस्तों, पानी में आए तो था मजा है क्या मजा। देखिए यार नदी में अब थोड़ी जो पैर में जलन मच रही थी वो शांत हो गई है। ये देखिए गाइस ठंडा ठंडा पानी। हाय दोस्तों, हाय, ये है पानी। अरे गिरेगा पीछे जा, टोपी तो डाल लेता। अभी नहीं खाएंगे तो आएंगे तो खान पान के आएंगे। तो हम अभी खाना लेके आ रहे हैं घर से, सबके लिए खाना लेंगे। ये देखिए लंच हमारा अभी आ रहा है, 3 बज गए हैं, लगभग 3 बज गए हैं। और अब हम हमने तो खा लिया है गाइस घर से, तो जो गांव में है जो खेत में मम्मी लोग उनके लिए अभी आए हम थोड़ी देर पहले खाना लेने के लिए घर गए, और धान भी ले गए साथ में, वो भी चढ़ाए हैं, और खाना भी लेके आए गाइस। अभी हम नीचे को ही जा रहे हैं खाना देने के लिए सबको। अरे लक्की तू क्या ला रहा है, सब दिखाओ अपना अपना। ये रे अच्छा ठीक हो गया। अभी यहाँ सब लोग खाना खा रहे हैं देख सकते हैं आप, और हम लोग धान मान रहे हैं, मैं और रोहित भैया। 4:30 हो गए और मौसम ख़राब हो गया, बादल आ गए हैं, इस वजह से अब हम भी घर को जा रहे हैं। आज हमने पूरे 3 गट्ठर पूरे किए, देखिए अब पूरी पैकिंग हो चुकी है, सब घर को जा रहे हैं अभी, क्योंकि बारिश की बूंदें भी आने लगी है। देखिए गाइस दोस्तों, हमने लगभग 9:30 बजे स्टार्ट किया था, अभी 4:30 हो गया है, शाम ही होगी पूरी, अभी नहीं जा रहे होते अगर बारिश का मौसम नहीं बना होता। गाइस तो अभी मैं फ़िलहाल घर आ चुका हूँ, सब लोग घर आ गए हैं। देखिए बारिश भी लग रही है, आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश यहाँ पे लग रही है। पीछे देखिए गाइस रेनबो लगा हुआ है, वो देखिए सामने दोस्तों रेनबो लगा हुआ है, अभी आधा ही दिख रहा है क्योंकि धूप भी पड़ रही है, इस वजह से पूरा नहीं दिख पा रहा है।